अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिप्नोलॉजी की आउटलाइन के जो हमारा दूसरा सेक्शन है उस पर उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो दूसरा सेक्शन है वो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे। ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से मुराद ये होती है कि जब माइनर्स क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऐसे लोग जो 18 साल की एज से कम है, वो जब क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। ये जो माइनर क्रिमिनल्स होते हैं, इनको हैंडल करने का तरीका, इनको पनिश करने का तरीका, इनको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका जो है, ये टोटली आम क्रिमिनल से या जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इसकी। जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डिफरेंट डेफिनेशन की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरल डेफिनेशन की। बिहेवियरल डेफिनेशन एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो कि बिहेवियरल साइंसेज में इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी, उसमें ये डेलिक्वेंसी जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तारीफ की जाती है। वो इस तरह से की जाती है कि डेलिक्वेंसी इंक्लूड्स एनी बिहेवियर दैट वायलेट्स क्रिमिनल लॉ और सोसाइटल नॉर्म्स। जिसमें इनकम्पासेस एक्टिवेट सच एज थेफ्ट, वेंडलिज्म, ड्रग यूज एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट। यानी कि ऐसे बिहेवियर जो कि सोसाइटी के बिहेवियर्स को वायलेट कर रही हों और वो माइनर्स के अंदर पाए जाते हों, तो हम ये कहते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। ठीक है, ये जो है ये डेफिनेशन ये बेसिकली फोकस करती है सोसाइटल लॉ पे। ठीक है, सोसाइटी के लॉज पे। अब अगर हम बात करें तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की लीगल डेफिनेशन की हम बात करें तो ये एक इसके मुताबिक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज कंसीडर एज अ डेलिक्वेंट इफ़ दे इंगेज इन कंडक्ट दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ क्राइम इफ कमिटेड बाय एन अडल्ट। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो उस बिहेवियर को कहते हैं जो एक माइनर परफॉर्म करे, और अगर वो किसी कोई अडल्ट परफॉर्म कर रहा हो तो हम उसको लॉ के अंदर एक क्राइम कहते हैं। यानी कि अडल्ट्स का वो बिहेवियर जो लॉ के अंदर क्राइम है वो माइनर्स के लिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह मदद से हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट है और एक स्टेटस ऑफेंडर है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो होता है कि इज अ माइनर हु कमिटेड एन ऑफेंसिव दैट इज कंसीडर्ड एज अ क्राइम अंडर द लॉ। हमने कहा कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, एक ऐसा जुवेनाइल डेलिक्वेंट की जो टर्म है वो हम ऐसे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि कोई ऐसा क्राइम करे जो अगर अडल्ट करता हो तो वो एक क्राइम समझा जाएगा लॉ के अंदर। ठीक है, एक्चुअली इस तरह से है ना कि जब शुरू में क्रिमिनल लॉ बनना शुरू हुआ था तो वो पहले अडल्ट्स के लिए था। ठीक है, इसलिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। अगर जो चीज़ अडल्ट्स के लिए क्राइम समझी जाती है वो अगर माइनर्स करे तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। ठीक है, और फिर वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है। ठीक है, सच एज रॉबरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, असॉल्ट, मर्डर्स। ठीक है, दूसरे हमारे पास टर्म है वो है स्टेटस ऑफेंडर्स। स्टेटस ऑफेंडर्स जो है ना ये ऐसे माइनर्स हैं जो ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्रिमिनल क्राइम नहीं समझे जाते, अडल्ट्स में क्राइम नहीं समझे जाते। ठीक है, जैसे घर से भागना, ड्रिंकिंग करना, वायलेशन ऑफ जैसे कर्फ्यू की वायलेशन करना, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स नहीं समझे जाते, जब वो माइनर्स करें तो हम कहते हैं ये स्टेटस ऑफेंडर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास सर्वेज हैं नेशनल डेलिक्वेंसी के हवाले से, उनको हमने डिस्कस करना है। हमारे टॉपिक का हिस्सा है वो नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे। ये जो है ना ये क्राइम ये डेटा कलेक्ट करता है क्राइम विक्टिमाइजेशन के, यानी कि इंक्लूडिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंट्स एंड स्टेटस ऑफेंडर्स। ये डेटा कलेक्ट करता है कि एक साल में जो है या जितने भी अरसे के लिए सर्वे किया जाए उसमें इसका रेट क्या रहा है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का किसी भी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास है FBI's यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्टिंग प्रोग्राम। ये जो है ये रिपोर्टेड क्राइम्स को, यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बहुत से केसेस ना रिपोर्ट ही नहीं होते।
ठीक है। तो ये वो उन क्राइम्स की रिपोर्ट को सर्वे करता है, उनकी नंबर को, उनकी नेचर को सर्वे करता है जो रिपोर्ट होती है, ठीक है। फिर है ट्रेंड्स, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स शोन फ्लक्चुएशन इन जुवेनाइल स्टेट्स ओवर द इयर्स, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड से मुराद ये है कि पहले जो है वो आप इस तरह से कह लेंगे, पहले जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट इतने बहुत सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन मर्डर्स एंड प्रॉपर्टी रॉबिंग ईटीसी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक जो है ना, ये वो स्टेटिस्टिक पैटर्न है जिसमें जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है उनके डेमोग्राफीज को, यानी कि उसकी एज, जेंडर, एथनीसिटी, टी सी, इन सबको स्टडी किया जाता है और उससे स्टेटिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हमने डिस्कस किया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हमने कहा कि ये ऐसे माइनर्स हैं, जब माइनर्स क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, ठीक है। और इसके सम देर आर लॉट ऑफ रीजंस एंड इम्पैक्ट्स, जो क्राइम की रीजंस एंड इम्पैक्ट्स हैं ज़्यादातर वही जो है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की रीजंस एंड इम्पैक्ट्स होते हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटीसी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। एक्चुअली जो माइनर्स हैं उनको लॉ में एज अ क्रिमिनल डील नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए उनके लिए जो जस्टिस सिस्टम है, यानी जो पुलिस सिस्टम है, आप कह लें जो जस्टिस सिस्टम से मुराद होती है वो सिस्टम जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है और फिर उसको पनिश करता है, इंक्लूडिंग पुलिस सिस्टम एंड कोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये जुवेनाइल्स के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में अगर हम पुलिस के रोल की बात करें, जैसा कि हमारे टॉपिक का हिस्सा है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज में पुलिस का करती है इन्वेस्टिगेशंस, करती है इंटरवेंशंस, करती है, ठीक है। इंटरवेंशन की अगर टर्म आपको नहीं पता तो मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन। इंटरवेंशन का मतलब होता है जो एक नेगेटिव बिहेवियर है किसी में उसको रीडायरेक्ट करना पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ, यानी आप इस तरह से कह लो कि उसको जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में इन्वॉल्व हो गया बच्चा उसको उसको रिहैबिलिटेट करना, ठीक है। फिर पुलिस जो है वो इसमें डायवर्शंस करती है। डायवर्शन से मुराद है कि उसको फॉर्मल जस्टिस सिस्टम से दूर रखती है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो डेलिक्वेंट होते हैं उनको डील करने का तरीका अलग होता है, उनको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। फिर हमारे पास पुलिस जो है वो रिपोर्टिंग करती है, रिपोर्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा और फ्यूचर पॉलिसी के लिए, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड्स को, कुछ सर्वेज को डिस्कस किया था, तो पुलिस का ये रोल है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं द रोल ऑफ जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस, ठीक है। जुवेनाइल की कोर्ट भी डिफरेंट होती है, जुवेनाइल के जेल सिस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कुछ टर्म्स हैं जैसे प्री ट्रायल होते हैं, ठीक है। इसमें प्री ट्रायल के अंदर एक इनटेक होता है, जब किसी भी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है ना तो उसको एक इनटेक प्रोसेस में लेके जाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे केस को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि ये डिसाइड किया जाता है पुलिस की तरफ से कि आइदर ये केस जो है ये कोर्ट की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि ये आगे चलाया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा या डाइवर्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कह लो कि प्री ट्रायल के अंदर सिवियरिटी ऑफ केस को देखा जाता है। फिर आ जाती है डिटेंशन हेयरिंग, फिर इसको में जो है वो हेयरिंग की जाती है केस की। जो जुवेनाइल की हेयरिंग है ना वो क्रिमिनल्स के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ठीक है। इसमें जो है ये भी डिसाइड किया जाता है, जो हेयरिंग्स होती हैं इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो जुवेनाइल है उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, यानी कोर्ट जुवेनाइल पुलिस या जुवेनाइल कोर्ट की कस्टडी में रखा जाएगा, या फिर उसको ट्रायल तक जो है वो सोसाइटी के अंदर मूव करने दिया जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम। फिर हमारे पास इसमें ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल में एडजेक्टेंट हेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ना ट्रेडिशनल हेयरिंग नहीं होती जैसे आम क्रिमिनल से होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो इस तरह से होता है कि बच्चे के सामने जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है उसके सामने एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और जज के सामने, जज जो है वो डिसाइड करता है
कि जो जुवेनाइल है वो वाकई में ऑफेंस है कि नहीं। यानी कि हो सकता है कि इस तरह के जो सिचुएशन बन गई हो, जितना इतनी माइनर एज में उसको क्राइम उसने कर दिया हो, ठीक है। तो ये इसमें फिर हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ्स जो टर्म है ना, इसका वैसे लफ्जी मतलब होता है प्रेजेंटिंग ऑफ द एविडेंसेस, ठीक है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज जो उनके अंदर जो है वो ज़रूरी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इतने हों कि जज जो है वो, ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि ये साबित किया जाए कि जो एविडेंसेस हैं उससे जुवेनाइल ने जो क्राइम कमिट किया है, आप इसे कह लो कि उसने अपनी चॉइस से नहीं किया, ठीक है, उसको कमिट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और फिर हमारे पास आती है सेंटेंसिंग, हेयरिंग के बाद जो है वो सज़ा की बारी आती है। इसको जो है ना, जो टर्म यूज़ की जाती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज के लिए, वो पनिशमेंट की टर्म यूज़ नहीं की जाती। यहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है रिहैबिलिटेशन की, ठीक है। उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है, ये चांस लेते हुए कि उनको हम जो है वो एक पॉजिटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बना के जुवेनाइल जो हमारे पास हाउस होता है वहाँ से बाहर लाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम का। इसमें रोल क्या होता है, इसमें एक प्रोसिक्यूटर होता है, जैसे कि हमारे पास आम उसमें होता है जस्टिस सिस्टम के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होता है। प्रोसिक्यूटर जो होता है ये जुवेनाइल के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर जो चार्जेस लगी होती है उसको साबित करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमारे पास डिफेंस काउंसिल होती है। डिफेंस काउंसिल जो है ये जुवेनाइल की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन देती है और जो प्रोसिक्यूशन की जो है उसके खिलाफ प्रूफ्स देती है, ठीक है। फिर इसमें एक जुवेनाइल जज होता है। जुवेनाइल जज जो है ये दोनों प्रोसीडिंग्स को देखता है, प्रोसिक्यूशन के कंसर्न्स को भी, डिफेंस के कंसर्न्स को भी, और एट द एंड जो है ये डिसाइड करता है कि आइदर इट विल बी रिहैबिलिटेटेड और नॉट, ठीक है। फिर हमारे पास एक जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर होता है। जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है ना, सर्वाइव जुवेनाइल्स प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन इंश्योरिंग कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर्ड कंडीशंस। जब जुवेनाइल को प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है, यानी जमानत पे छोड़ा जाता है, तो ये उनकी अब से कह लो कि उनकी जो है वो उन पे नज़र रखता है, ठीक है। कि जैसे वो कंसल्ट करते हैं, फिर भी उसकी रिपोर्ट्स तैयार करता है, वो कोर्ट को देता है। इसका काम जो होता है ये जुवेनाइल को असिस्ट करना भी होता है कम्युनिटी के अंदर मूव करने के लिए, ठीक है। अब यह हम जहाँ पे हमने बात की कि जुवेनाइल्स को जो है वो डील करने का तरीका डिफरेंस दूसरे क्रिमिनल से डिफरेंट है, तो यहाँ पे ना कुछ जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाती हैं, ठीक है। जैसे डिटेंशन सेक्टर्स बनाए जाते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज होती है जो जुवेनाइल की हेयरिंग्स करती है। यहाँ पे उन जुवेनाइल्स को रखा जाता है जो हेयरिंग्स में होती हैं, जो ट्रायल के अंदर होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जुवेनाइल जो होते हैं इनको आप नॉर्मल क्रिमिनल्स के साथ, अब एडल्ट क्रिमिनल्स के साथ नहीं रख सकते, ठीक है। ये उनके लिए ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, उनको नुकसान पहुँच सकता है फिज़िकली भी एंड स्पेशली साइकोलॉजिकली। तो उनको जो है वो डिटेंशन सेक्टर्स के अंदर रखा जाता है। फिर इनको जो है वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रखा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ऐसे जुवेनाइल्स को रखा जाता है जो कि रिहैबिलिटेशन के लिए गए होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका होता है, और उनको जो है वो रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, स्किल बिल्डिंग की जाती है, थेरेपीज वगैरह की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे। प्रोबेशन है, प्रोबेशन जो है ना जुवेनाइल जो है इसको जब प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है ना, तो ये कुछ जाहिर है कम्युनिटी, जैसे नॉर्मल क्रिमिनल्स के साथ है कि उसको कुछ कम्युनिटी सुपरविजन के अंदर छोड़ा जाता है। यहाँ पे जो है ना प्रोबेशन, ये जो प्रोबेशन पे जब जुवेनाइल को छोड़ा जाता है, तो तब भी जो है ना उसकी रेगुलर मीटिंग प्रोबेशन ऑफिसर के साथ, स्कूल अटेंडेंस उसकी ज़रूरी होती है, और इसके अलावा काउंसलिंग एंड कम्युनिटी सर्विस जो उसको प्रोवाइड की जा रही है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। फिर जो है वो डाइवर्जन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। डाइवर्जन प्रोग्राम्स का मतलब होता है जुवेनाइल्स को फॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा उसके उससे की तरफ रीडायरेक्ट करना, यानी कि उसको एजुकेशनल देना, आप सर कह लो कि उसको सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल की तरफ वापस लेके आना। उसको एजुकेशनल वर्कशॉप्स दे दी जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है, पर उसकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर की जाती है, ठीक है।
फिर हमारे पास एक और टर्म है रिस्टोरेटिव जस्टिस। रिस्टोरेटिव जस्टिस जो है ना, दिस अप्रोच ऑफ फोकसेस ऑन रिपेयरिंग हार्म कॉज्ड बाय द क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन बिटवीन द ऑफेंडर द विक्टिम एंड द कम्युनिटी। जो हो गया है ना जुबिनाइल से, जो यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर हो गया है, अब जाहिर है उसका एक इफेक्ट भी होगा, तो उसके जो हार्म आ गया उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है थ्रू डायलॉग्स, ठीक है, बिटवीन द जुबिनाइल एंड द विक्टम्स एंड द सोसाइटी। तो ये हमारे पास है जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम। हमने देखा कि ये नॉर्मल जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जो अडल्ट क्रिमिनल्स के लिए, उससे किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास अगला है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।